प्यारे बेटियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आपके सामने हाजिर है। जितने भी मेरे भाई बहन BSTC या फिर PTET 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास होने वाली है महत्वपूर्ण। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये दूसरा वीडियो होने वाला है, दूसरी क्लास होने वाली है, जहाँ पर हम शिक्षण अभिरुचि के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को पूरा देखना है आपको, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी के आपसे कोई अपराध हो गया है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से, ताकि उसके बाद मैं इसे सॉल्व कर सकूं। चार ऑप्शनों को पढ़ते हैं, चुपचाप रहेंगे, दूसरा कह रहा है इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, या फिर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे। दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते हैं, विद्यालय में कार्य करते समय एक शिक्षक होने के नाते बिना जानकारी के आपको मालूम नहीं है और अनजाने में ही आपसे कोई अपराध हो गया है, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है चुपचाप रहेंगे, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, चुपचाप रहेंगे ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे, केवल इससे पश्चाताप की अग्नि में जलते रहने से आपके जो है अपराध का समाधान नहीं होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, जो भी अपराध आपसे हुआ है, आपसे ऊपर जो भी अधिकारी है उसे इसकी जानकारी देंगे, ताकि वो उचित समाधान निकाल सके। तो दोस्तों, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी अभ्यर्थियों ने इसी ऑप्शन को करेक्ट किया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होने वाला दोस्तों, निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, ठीक है ना। निर्देशनकर्ता क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है सूझबूझ का, दूसरा है उचित परामर्श प्रदान करने का, तीसरा है दुर्बलताओं के समाधान का, चौथा है सृजनशीलता का। दोस्तों, चारों ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे, ठीक है ना, चारों ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा होगा वही आपको सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि निर्देशनकर्ता का लक्ष्य क्या होता है, या फिर उसका कार्य क्या होता है, उसका मेन कार्य क्या होता है, जिससे आपको इजी होगा इस प्रश्न का आंसर देने में। तो जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वो व्यक्ति में किसका विकास करे, सूझबूझ का, ठीक है ना। ये ऑप्शन गलत होगा दोस्तों, ये निर्देशनकर्ता का मेन लक्ष्य नहीं होता है। दूसरा है उचित परामर्श प्रदान करने का, ये भी निर्देशनकर्ता का लक्ष्य नहीं होता है दोस्तों। तीसरा है दुर्बलताओं के समाधान का, और चौथा है सृजनशीलता का। सृजनशीलता वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दुर्बलताओं के समाधान का। जितने भी दुर्बलता है व्यक्ति में, उनका समाधान करना जो है निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है। तो यही आगा दोस्तों आपका सबसे बेहतरीन आंसर, जो आपको पूरे 3 नंबर दिलाएगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न होने वाला है, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को क्या कहा जाता है तकनीकी भाषा में, ठीक है ना। तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है व्यक्तिगत या फिर सामूहिक प्रशंसा को। पहला ऑप्शन है अनुशासन, दूसरा पुरस्कार, तीसरा है छात्रों में मतभेदता, चौथा है कुशल प्रबंध करने में साधार। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। तो स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पे पूछा गया है व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में, ठीक है ना, तकनीकी भाषा में उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अनुशासन, अनुशासन उसे नहीं बोलते दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा है पुरस्कार, पुरस्कार बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा है छात्रों में मतभेदता, यह भी गलत होगा। और चौथा है कुशल प्रबंध करने में साधर, यह भी गलत होगा दोस्तों। व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से प्रशंसा होती है उसे तकनीकी भाषा में पुरस्कार बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है ना, शिक्षण में यानी टीचिंग में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है। पहला है छात्रों के समुदाय का होना, दूसरा है शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, तीसरा है शिक्षक की बच्चों में सहज रुचि, या फिर चौथा है शिक्षक में छात्र समस्या का समाधान करने की क्षमता। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर मुझे लगता है देखते ही आप पता लगा लेंगे, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है, सहजता से इसका आंसर आप देख देंगे।
तो शिक्षण में जो टीचिंग में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है छात्रों के समुदाय का होना, दोस्तों छात्रों का अगर समुदाय नहीं होगा तो आप टीचिंग कैसे कराएंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। शिक्षक की बच्चों में सहज रुचि, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तो टीचिंग के लिए आवश्यक तत्व तो है। चौथा है शिक्षक में छात्र समस्या का समाधान करने की क्षमता, दोस्तों अगर शिक्षक में छात्र की समस्या का समाधान करने की क्षमता नहीं होगी तो फिर वो टीचिंग में कुशलता कैसे ला पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो बढ़िया आंसर होगा वो दोस्तों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना। दोस्तों शिक्षण में कुशलता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि टीचर जो है उच्च कुल से है या निम्न कुल से, उसका जो गुण है वो है टीचिंग में किस प्रकार से वो जो है कुशल हो, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन उम्मीद करता हूँ सभी अभ्यर्थियों ने करेक्ट किया होगा। तो दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है। दोस्तों यह प्रश्न बीएसटीसी और पीटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, दोनों के अभ्यर्थी इसी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है यही आपको बताना है। चार ऑप्शन पढ़ सकते हैं, पहला है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, दूसरा है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, तीसरा है अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, चौथा है विद्यालय की परिस्थिति पर। जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं ताकि अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ सके। आंसर की बात करें जल्दी से प्रश्न को पढ़ते हैं, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, यह तो गलत हो जाएगा दोस्तों, प्रधानाचार्य तो बिल्कुल अलग तत्व है। कक्षा शिक्षण का कार्य टीचर और उसका विद्यार्थी दोनों के बीच होता है, प्रधानाचार्य की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, यह इसका करेक्ट आंसर होगा, क्यों होगा इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले ऑप्शनों को देख लेते हैं। तीसरा है अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, यह गलत होगा। चौथा है विद्यालय की परिस्थिति पर, विद्यालय की परिस्थिति कैसी भी हो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर है। अब शिक्षक का व्यवसाय क्या है, टीचिंग शिक्षण अधिगम, ठीक है ना, यह शिक्षक का व्यवसायिक गुण है, ठीक है ना। और दोस्तों टीचर का व्यवसायिक गुण कैसा है वही निर्भर करता है कक्षा शिक्षण की व्यवस्था पर, ठीक है ना। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उम्मीद करता हूं सभी अभ्यर्थियों ने यह करेक्ट किया होगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है। पहला है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, दूसरा है परीक्षा पास करने में, तीसरा गृह कार्य पूरा करने में, या फिर समय बिताने में। जल्दी से आंसर बताइए। जो आपके पास टेक्स्ट बुक्स है, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनसे किसकी सहायता मिलती है, शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, परीक्षा पास करने में, गृह कार्य पूरा करने में, या फिर समय बिताने में। सभी अभ्यर्थियों को आंसर देना दोस्तों, बिना आंसर दिए आपकी तैयारी नहीं हो सकती। अब आंसर की बात करें दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, परीक्षा पास करने का केवल यह उद्देश्य नहीं है, यह तो गलत हो जाएगा। दूसरा गृह कार्य को पूरा करने में, यह भी गलत है। तीसरा है, चौथा है समय बिताने में। ये तीनों आंसर को आप देखकर आप पता कर सकते हैं दोस्तों, यह सबसे बेहतरीन आंसर नहीं है, बल्कि सबसे बेहतरीन आंसर है पहला ऑप्शन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, विद्यालय में सामूहिक शिक्षण व्यवस्था की जाती है, क्योंकि सामूहिक यानी सामाजिक, जो समुदाय बनाकर शिक्षण व्यवस्था की जाती है, सभी अभ्यर्थियों को एक साथ बैठकर शिक्षण व्यवस्था करवाई जाती है, क्योंकि शासन ऐसा चाहता है, क्योंकि शिक्षकों को इसमें सहायता होती है, या फिर हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, या फिर विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर की बात करें दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है शासन ऐसा चाहता है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कह रहा है शिक्षकों को इसमें सहायता होती है, दोस्तों शिक्षक के फेवर में जो भी बात होगी वो गलत होगी दोस्तों, शिक्षक को सहायक बनाने वाली हर चीज गलत होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा कह रहा है हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, ये तो गलत हो दोस्तों, हर समाज में शिक्षकों की संख्या कम नहीं होती है, कुछ कुछ जगह पर शिक्षक कम मिलते हैं लेकिन हर समाज में शिक्षकों की संख्या कम नहीं होती है, यह गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, और यही इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल तीन नंबर दिलाएगा आपको, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों आठवां, एक ही विधि से शिक्षण कराना विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, या फिर सर्वांगीण विकास के लिए घातक हो सकता है, या फिर विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, या फिर चौथा ऑप्शन है शिक्षक के प्रति संभाव रह सकता है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। एक ही विधि से शिक्षण कराना, ठीक है ना, विद्यार्थियों के लिए क्यों घातक हो सकता है ये आपको बताना है।
पहला ऑप्शन कह रहा है शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण से शारीरिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, यह इसका बढ़िया आंसर है लेकिन सबसे बेहतरीन आंसर यह नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा कह रहा है शिक्षा विषय संबंधित बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, यही इसका सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा दोस्तों। चौथा है शिक्षक के प्रति संभाव रह सकता है, यह तो गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है एक ही विधि से शिक्षण कराना विद्यार्थियों के लिए क्यों, तो दोस्तों तीसरा आंसर इसका करेक्ट होगा, विषय संबंधित बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, तो दोस्तों यही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हर शाला में प्राचार्य होता है, हर शाला में प्राचार्य होता है जिससे जिससे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक रहे, या फिर विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। चौथा ऑप्शन कह रहा है विद्यालय के समय तालिका निर्धारण में मदद मिले, कौन सा हो जाएगा इसका बढ़िया आंसर जल्दी से बताइए। हर शाला में प्राचार्य होता है, क्यों होता है प्राचार्य, क्या कारण है, जल्दी से आंसर बताइए। आंसर्स की बात करें दोस्तों, विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, ये दोस्तों एक प्राचार्य का काम नहीं है, ये एक अध्यापक का काम है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक रहे, ये भी गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तीन नंबर दिलाने वाला ऑप्शन नहीं है। अगला है विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके, ये सबसे बेहतरीन आंसर है दोस्तों। चौथा कह रहा है विद्यालय के समय तालिका निर्धारण में मदद मिले, ये भी बढ़िया ऑप्शन है लेकिन तीन नंबर नहीं दिलाएगा, सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा दोस्तों तीन नंबर का। एक प्राचार्य का कर्तव्य होता है कि अपने विद्यालय का वो पर्यवेक्षण करे, सुपरवाइजन करे, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है शाला में कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना किसका द्योतक है, ठीक है ना, किसका द्योतक है शाला में कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना, समुदाय में फैली अव्यवस्था का, छात्रों के मानसिक योग्यता का, विद्यालय की अनुचित परिस्थिति का, या फिर शिक्षक की अकुशलता का, जल्दी से आंसर बताइए। सभी अभ्यर्थियों को ऑप्शंस को पढ़कर बढ़िया आंसर देना दोस्तों, एग्जाम में भी कुछ इसी प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। अब दोस्तों प्रश्न पूछा गया है शाला में कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना किसका द्योतक है, पहला है समुदाय में फैली अव्यवस्था का, ये बिल्कुल बढ़िया आंसर नहीं होने वाला है। दूसरा है छात्रों की मानसिक योग्यता का, इसका जो है कक्षा प्रबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है विद्यालय की अनुचित परिस्थिति का, बढ़िया ऑप्शन है लेकिन तीन नंबर नहीं दिलाया गया दोस्तों। अगला कह रहा है शाला में कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना किसका द्योतक है, तो दोस्तों शिक्षक की अकुशलता का यह द्योतक है, अगर शिक्षक अकुशल होगा तो दोस्तों कक्षा प्रबंध स्वाभाविक है कि ठीक नहीं होगी, इसलिए शिक्षक की कुशलता का वही फर्क पड़ता है कि शाला में कक्षा प्रबंध ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए सबसे बेहतरीन आंसर यही होगा। उम्मीद करता हूं सभी अभ्यर्थियों ने यही आंसर टिक किया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में अगर छात्रों की रुचि नहीं है तो उसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, पहला है अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए, नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा है शाला का भौतिक परिवेश ठीक करना चाहिए, कौन सा हो जाएगा सबसे बेहतरीन आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर की बात करें जल्दी से दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए, यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, इससे जो है बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा अगर अनुशासन में और कठोरता लाई जाएगी, तो सबसे बेहतरीन आंसर ये नहीं होगा। दूसरा नई वो रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये ही सबसे बेहतरीन आंसर होगा, क्यों होगा इसकी बात हम बाद में करेंगे। अगला है छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरे ऑप्शन के होते हुए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। चौथा कह रहे हैं शाला का भौतिक परिवेश ठीक नहीं होना ठीक करना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। सबसे बेहतरीन आंसर होगा दोस्तों नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हो सकता है दोस्तों छात्रों की रुचि इसलिए नहीं बढ़ रही हो क्योंकि जो विषय आप पढ़ा रहे जो शिक्षण विधि आप प्रयोग करें उनसे वो बोर हो चुका है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि नई व रोचक शिक्षण विधियों का अपने शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए, तो दोस्तों यही इसका बेहतरीन आंसर होगा। तो जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है, शिक्षक और विद्यार्थी का जो परस्पर इंटरैक्ट संबंध है वो किससे प्रभावित नहीं करता है जल्दी से बताइए। पहला है कक्षा परिवेश को, दूसरा कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न होने वाले अधिगम को, तीसरा कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रिया को, चौथा है शिक्षक की शिक्षण कुशलता को, किसको प्रभावित नहीं करता है जल्दी से आंसर बताए दोस्तों ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, शिक्षक तथा विद्यार्थी का जो संबंध होता है किससे प्रभावित नहीं करता है, पहला कक्षा परिवेश को, यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल प्रभावित करता है कक्षा परिवेश को। अगला है कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न होने वाले अधिकम को, यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों।
तीसरा है कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा है शिक्षक की शिक्षण कुशलता को, यह भी इसका गलत आंसर होगा। दोस्तों सबसे बेहतरीन जो आंसर होगा वो होगा नंबर तीन वाला, जो आपको पूरे तीन नंबर दिलाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों इनकी आप फ्री में पीडीएफ, ठीक है ना, फ्री में पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। आरपी स्टडी फीवर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको अपना आपका जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है मिल जाएगा, जहां पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर उसकी लिंक मैं दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जहां पे जाके आप टेलीग्राम को सीधा ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक होना, या फिर पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना, या फिर पर्यावरण तकनीकी का विकास छात्रों से कराना। कौन सा हो जाएगा बड़े आंसर, जल्दी से बताइए। प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको, कौन सा हो जाएगा सबसे बेहतरीन आंसर, आइए देखते हैं। पहला है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, यही इसका बढ़िया आंसर होगा दोस्तों, यही इसका बेहतरीन आंसर होगा जो आपको तीन नंबर दिलाएगा। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक होना, यह भी बढ़िया आंसर है लेकिन तीन नंबर नहीं दिलाएगा। तीसरा है पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना, यह भी गलत हो जाएगा। चौथा है पर्यावरण तकनीकी का विकास छात्रों से कराना, यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सबसे बेहतरीन आंसर होगा दोस्तों पहला ही ऑप्शन, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं कुशलता विकसित करना, तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है, ठीक है ना, पर्यावरण शब्द के अर्थ में क्या शामिल नहीं है? पर्यावरण का भौतिक व सामाजिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, चारों ओर का वातावरण, पर्यावरण से जुड़े इतिहास वेता। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बढ़िया सा आंसर दीजिए, बढ़िया से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। अब इसके आंसर की बात करें, पर्यावरण शब्द का अर्थ में क्या शामिल नहीं है? दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहे हैं पर्यावरण का भौतिक व सामाजिक पक्ष, ये तो शामिल है दोस्तों इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, ये भी इसमें शामिल है। तीसरा है चारों ओर का वातावरण। अब दोस्तों पर्यावरण की हम परिभाषा देखते हैं तो यही तो बताते हैं पर्यावरण की परिभाषा में कि चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगला ऑप्शन देखें, पर्यावरण से जुड़े इतिहास वेता, तो दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण शब्द में इसे शामिल नहीं करते हैं पर्यावरण से जुड़े इतिहास वेता को, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की आज की क्लास का होने वाला है ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना, अंतिम प्रश्न होने वाला दोस्तों 15वां, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है, क्योंकि इसका आयोजन किसके द्वारा होता है वही आपको बताना है दोस्तों। छात्रों में सुधार हेतु किया जाता है, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है, या फिर प्रदेश में पृथक रूप में किया जाता है। चौथा, गरीबी दूर करने के लिए किया जाता है। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है, जल्दी बताइए। यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा का आयोजन क्यों किया जाता है, यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है छात्रों में सुधार हेतु किया जाता है, ये बढ़िया प्रश्न है लेकिन दोस्तों तीन नंबर नहीं दिलाएगा आपको, छात्रों में सुधार हेतु शिक्षा का आयोजन नहीं होता है। दूसरा है मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है हर प्रदेश में पृथक रूप में किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। और अगला है दोस्तों गरीबी दूर करने के लिए किया जाता है, ये तो आपको जीरो नंबर दिलाएगा। सबसे बेहतरीन आंसर होगा दोस्तों नंबर दो वाला आंसर, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में ही शिक्षा का आयोजन होता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी अभ्यर्थियों ने 15 में से 15 करेक्ट किए होंगे। आपके कितने राइट होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों, 15 में से कितने आपके प्रश्न सही होते हैं। एग्जाम में भी दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को कुछ इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। बाकी क्लासेज भी, राजस्थान जीके और हिंदी की क्लासेज भी जल्द शुरू होने वाली है, राजस्थान जीके की क्लासेज एक्टिव है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप राजस्थान जीके की बाकी की क्लासेज को देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई महत्वपूर्ण क्लास में, चलते लेते हैं आपसे अलविदा।